बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही अच्छी खबर, बहुत ही खुशी की खबर जो हर मुसलमान के लिए एक खुशी का बायस है, वो खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो खबर की तरफ चलते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारे ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से ये एक न्यूज़ आई है कि सऊदी हुकूमत ने ये मरतबा ये फैसला कर लिया है कि पिछले सालों की तरह इस मरतबा भी ये हज होगा और लाजमी होगा। जैसा कि ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी कयास अराइयां चल रही थी कि मालूम नहीं ये साल हज होगा या नहीं होगा, तो सऊदी हुकूमत ने ये बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया है। तो ये मरतबा कुछ नए जो कोरोना वायरस की वजह से जो आउट ऑफ कंट्री से लोग पहले हज करने के लिए आते थे उनको ये साल मना कर दिया गया है, रोक दिया गया है। लेकिन जो सऊदी अरब के अंदर लोग हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से तलक रखते हैं, उन लोगों को भी एक महदूद तादाद में हज में शिरकत करने की इजाज़त होगी। तो ये नहाय बहुत ही एक अच्छी खबर है मुसलमानों के लिए, पूरी उम्मत मुहम्मदी के लिए, कि हर आदमी हर मुसलमान ये सोच रहा था कि इस मरतबा कोरोना वायरस है, शायद हज होगा या नहीं होगा। तो आज सऊदी हुकूमत ने ये भी क्लियर कर दिया है, साफ साफ बता दिया है कि ये हज होगा और इंशाल्लाह अपने टाइम के मुताबिक ज़रूर होगा।